नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। आज हम जानेंगे गेहूं पंजीयन के बारे में। आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं अपने पंजीयन की रसीद और आपको किस दिन अपने गेहूं लेकर सोसाइटी में जाना है वह भी अपने मोबाइल से चेक कर पाएंगे। तो चलिए कैसे चेक करें शुरू करते हैं। अगर आपके पास समग्र आईडी नंबर, किसान पंजीयन नंबर या मोबाइल नंबर तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपके पास होगी तो आप इससे चेक कर पाएंगे। तो आपको टाइप करना है गूगल ब्राउज़र में ई उपार्जन, और यहाँ पर सबसे पहली जो लिस्ट आ रही ई उपार्जन रवि 2020-21 जो मैंने गेरा बनाया है, इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है किसान कोड से पंजीयन संबंधित जानकारी प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। सबसे पहला आ रहा है किसान कोड जो पंजीयन कराया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, समग्र आईडी नंबर। तो हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ से भी अपन चेक कर पाएंगे। तो हम मोबाइल नंबर से चेक कर लेते हैं, जो भी पंजीयन कर रखा है वो मोबाइल नंबर हम इसमें डालेंगे। और ये जो कैप्चा आ रहा है ये कैप्चा हमें डालना पड़ेगा, ये कैप्चा डाल लेते हैं MXC039। ठीक है, तो और कैप्चा डालने के बाद किसान सर्च करें इस पर क्लिक कर देंगे तो अपनी पूरी डिटेल एक रसीद के रूप में आपके सामने आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे नाम, पता, सोसाइटी, ठीक है, हर एक चीज़, बैंक डिटेल, सारी डिटेल इसमें आ गई है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे तो रकबा कितना है, और ठीक है जितना रकबा दे रखा है उस हिसाब से कितने गेहूं लेकर आपको जाना है सारी जानकारी, और SMS डेट भी दे रखे हैं कि आपको किस तारीख को यह लेकर जाना है। तो और क्या क्या आप लेकर जा सकते हैं, जैसे चना, सरसों, मसूर, गेहूं, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो फिलहाल आपको गेहूं लेके जाना है, इसमें स्पष्ट दर्शा रखा है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।